हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RR एक्सपेरिमेंट में। तो दोस्तों, आज एक LCD आई है, आज हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आज हम उसके पैनल को खोल कर देखेंगे और हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में जुड़ने के लिए थैंक यू दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये LCD आई है सैमसंग की, जिसको आज हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज करेंगे। मैंने इसका बैक पैनल खोल लिया है और इसके जो कुछ कनेक्शन हैं, वो कनेक्शन मैं वापस से लगाकर इसको चेक करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों देखो, आप जिस तरह देख पा रहे हैं, LED ऑन हो गई है और अभी मल्टीमीटर से हम इसको चेक कर लेते हैं। ये वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही? देखो दोस्तों, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ वोल्टेज शो हो रही है। और अगर लाइट पैनल की बात करें तो आगे जो LED का जो बैक लाइट पैनल है, उसमें तो दोस्तों एक बार मैं इसको ऑन ऑफ करके चेक कर लेता हूँ कि जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होती है या नहीं होती। मैंने फोग लगा ली है और मैं दूसरे साथी की हेल्प से इसको चेक कर देता हूँ। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो देखो, आप जिस तरह आप देख पा रहे हैं, देखो वोल्टेज इंक्रीज हुई, इसका मतलब हमारा बोर्ड ठीक है, हमारे जो पैनल है उसमें दिक्कत है, जो पैनल की जो बैक लाइट है उसमें दिक्कत है। अब इसके फ्रेम को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, फ्रेम खोलते वक्त बिल्कुल ध्यान से, प्यार से खोलें। अगर फ्रेम खोलते वक्त अगर ये फ्रेम टूट गया या फिर अगर डिस्प्ले डैमेज हुई तो सारा काम खराब हो जाएगा, हम इसको दोबारा से लगा भी नहीं पाएंगे और नया लगाने में खर्चा बहुत आएगा दोस्तों, रिस्क का मामला है। और ये जो LED है, ये खाली एक्सपेरिमेंट के लिए आई है और हमने सोचा डेड तो पड़ी है, अगर ठीक हो जाती है तो देखते हैं, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट के लिए इसको लेकर आए हैं। और दोस्तों, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, मैं खाली आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाने के लिए मैं इसको लेकर आया हूँ। दोस्तों, ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों, एक गुजारिश है, अगर आप वीडियो पर आएँ तो वीडियो को पूरा देख कर जाएँ, अगर वीडियो को पूरा ना देखेंगे तो आप कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाओगे। और अगर जानकारी हासिल नहीं कर पाए, अगर बगैर जानकारी हमने कुछ किया या हमने अपने घर पे कोई ऐसे ही LCD खोल दी, तो दोस्तों हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख कर जाएं। दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को कट कर इसके आगे के पैनल को खोल लिया है और डिस्प्ले को निकाल दिया है। और अभी मैं इसकी LED निकालता हूँ। मैंने LED को पहले से ही चेक कर लिया है कि दोनों LED ख़राब है और मैं बाज़ार से यही LED में और ले आया हूँ। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप 6 वोल्ट की LED लगी है तो आप 6 ही वोल्ट की LED लेकर आएँ, और अगर 3 वोल्ट की लगी हुई है तो 3 वोल्ट की लेकर आएँ। इसमें पहले 3 वोल्ट की लगी हुई थी तो मैं 3 वोल्ट की LED लेकर आया हूँ। तो लेकिन दिक्कत क्या है, ये थोड़ा
बड़ा साइज़ है, हमें सेम साइज़ इसकी नहीं मिली इसलिए हम थोड़ा बड़ा साइज़ देख रहे हैं, तो इसकी एडजस्टमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। और एक्सपेरिमेंट भी तो यही है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों वीडियो के अंदर जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देख कर जाएं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे खाली एलईडी का साइज़ बड़ा है, लेकिन जो एलईडी का जो स्पेस है वो बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेट बैठ रहा है। दोस्तों आप मार्किंग करके अब इसके अंदर हम सुराग मार लेते हैं। होल करने के बाद हम इसके अंदर पेच लगाएंगे। अब जो पेच लगेंगे वो नए पेच लगेंगे, पहले जो पेच लगे हुए थे वो पेच तो अब इसके अंदर सेट नहीं होगा, तो इसलिए हम नए पेच लगाएंगे। और छोटे पेच है नहीं हमारे पास, हम बड़े पेच ही लगाएंगे थोड़े से और उनको बाद में काट देंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इसके अंदर पेच लगा देते हैं, लेकिन सेंटर में इसको पेच नहीं लगाना क्योंकि सेंटर में पीसीबी बोर्ड है, और अगर बोर्ड के अंदर सुराग हो गया या कोई कनेक्शन अगर शॉर्ट हो गया तो बोर्ड खराब हो जाएगा। अब हम एलईडी लाइट को डबल टेप की मदद से चिपका देते हैं और दोनों लाइटों को बिल्कुल अच्छे से, हमने पहले से ही मार्किंग कर रखी है, हम उनके ऊपर ही इनको लगाएंगे ताकि हमारी लाइट बिल्कुल सीधी लगे और कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों एलईडी के जो कनेक्शन हैं वो सीरीज में हो रखे हैं और हमें इनको सीरीज में ही रखना है। अगर इस बात का ध्यान रखें, अगर कनेक्शन सीरीज में है तो सीरीज में ही रखें और पैरेलल में है तो पैरेलल में ही रखें। दोस्तों हम इसके कनेक्शन कर देते हैं, हमने दोनों एलईडी कनेक्शन कर दिए। अब मैं इसके ऊपर का कवर लगा देता हूँ, ये कवर भी अच्छे से सेट हो गया। दोस्तों अब हम इसके स्क्रू लगा लेते हैं। दोस्तों स्क्रू लगने के बाद हम जो एलईडी के जो डिस्प्ले के जो पेपर हैं वो पेपर अच्छे से सेट कर लेते हैं, और पेपर लगाते वक्त देख लें कि वो सही जिस तरीके से हमने खोले थे वैसे ही होने चाहिए, और अच्छे से सेट कर दें इसको चारों तरफ से, कहीं पर कोई कोना दबा हुआ ना हो, ना कहीं से उठा हुआ हो। अगर दबा हुआ होगा या उठा हुआ होगा तो डिस्प्ले के अंदर दिक्कत देगा, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, और डिस्प्ले को अच्छे से सेट कर लें। दोस्तों हमने डिस्प्ले सेट कर ली है और अब हम इसका फ्रेम लगाएंगे, और फ्रेम लगाकर इसको हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे और फ्रेम हमारा सेट हो जाएगा। दोस्तों हमारा फ्रेम सेट हो गया है, अब हम जल्दी से इसके जो बाकी के जो कनेक्शन हैं वो कर लेते हैं, जो हटाए हैं हमने
इसको कनेक्शन करने के बाद मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा कि ये काम कर रही है या नहीं। दोस्तों मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। जो चीज़ जहाँ से हटाई थी हम बिल्कुल वहीं पर लगा रहे हैं और मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप वीडियो पर आएँ तो वीडियो पूरा ही देख कर जाएँ, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देख कर जाओगे तो कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगी। और दोस्तों मेरी कोई भी वीडियो फेक नहीं होती, जो भी जितनी भी मेरी वीडियो होंगी वो प्रॉपर ढंग से काम करेंगे। अगर कोई किसी भी वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको अपलोड ही नहीं करता। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी एलईडी ऑन हो गई है और अच्छे ढंग से काम कर रही है। देखो दोस्तों जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, दोस्तों पूरा पैनल अच्छे से काम कर रहा है और हमने इसको घर पर ही रिपेयर कर लिया। अगर हम यही काम अगर हम बाज़ार से करवाते हैं तो बाज़ार से कम 2-2.5 हज़ार रुपये हमारे लगने थे। 2-2.5 हज़ार रुपये से कम ये पैनल ठीक नहीं होता। चलो दोस्तों मैं इसको जल्दी से हम बंद कर देता हूँ। जो भी इसके पार्ट खुले हुए हैं हम सभी पार्टों को सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सारे पार्ट लगा लेता हूँ अच्छे से, और जो स्क्रू जो निकले हुए हैं उन स्क्रूओं को हम काट लेंगे। मैं जो स्क्रू हैं उनको काट लेता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। दोस्तों ऐसी ही एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो ना पसंद आई हो तो डिसलाइक करें।